दर्शकों को बता दें कि विपक्षी नेताओं के राम मंदिर न जाने को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं को घेरा है। शाह ने कहा है कि उन्होंने अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से ऐसा किया है और पूरे इंडिया गठबंधन ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया। हिंदू होते हुए भी कई नेता राम मंदिर से दूरी बना रहे हैं, ये कैसी राजनीति है? मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया, पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। उनके पार्टी के कुछ लोग आपके पार्टी में आए थे क्योंकि वो मंदिर गए थे और उन्हें निष्कासित किया गया या फिर उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन के नोटिस दिए गए, वो हमारी पार्टी में आए हैं। मगर मेरा एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है, आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपको आपसे नाराज हो जाएगी, किस तरह की पॉलिटिक्स है? डॉली शर्मा जी, सीधे इस आरोप का जवाब दे दीजिए, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए इंडिया गठबंधन, और इंडिया भी नहीं, मैं तो इंडिया कह रहा हूं, उन्होंने कहा घमंडिया गठबंधन ने दूरी बनाकर रखी हुई है राम मंदिर से। मैं बोलूं अब? जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में तो हमारे चारों पीठों के मुख्य, हमारे धर्म के गुरु, हमारे धर्म सनातन धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य भी नहीं गए। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अब आप कह दीजिए कि हमारे धर्म के गुरु शंकराचार्य भी गलत कह रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने हमारे धर्म गुरुओं को गालियां देनी शुरू कर दी थी, हमारे धर्म गुरु हमारे धर्म के प्रधानमंत्रियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था, या हमारे धर्म के गुरु शंकराचार्य शंकर के अंश गलत थे? उन्होंने कहा कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि हमारे धर्म के साथ गलत हो रहा है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अब आप कह दीजिए शंकराचार्य गलत थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शंकराचार्य का हवाला देकर के तो निमंत्रण ठुकराया नहीं था। हम सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, हम अपने धर्म को मानते हैं, हम सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, हम किसी पार्टी के अनुसार अपने धर्म को नहीं मानेंगे, हम अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने धर्म की पूजा पाठ अपने भगवान को मानने के लिए हमें किसी की ठेकेदारी की और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, जब हमारे धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्यों पर सवाल उठाया, इन लोगों ने गाली देना शुरू की, तब मैंने नहीं देखे आप लोगों को सवाल पूछते हुए कि ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल जो हमारे धर्म गुरुओं के लिए उल्टा सीधा लिख रही है, तब आपने डिबेट्स क्यों नहीं करी? शंकराचार्य शंकर के अंश माने जाते हैं, चारों पीठों के मुख्य है वो, और उन्होंने ठुकरा दिया। अब उनको लिखिए कि वो मुसलमानों को फेवर करते हैं, वो 20% के लिए जाना चाहते हैं, वो फलाना करना चाहते हैं, इसलिए आईटी सेल वाले क्या लिख रहे हैं? अगर डॉली शर्मा जी इस पर भी डिबेट करने लगेंगे तो फिर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये कब बताएंगे जनता को? फिर नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ये जनता को कब बताएंगे? अगर आईटी सेल वाले क्या लिख रहे हैं इसी पर हम डिबेट करने लगेंगे। पार्टी के सर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से कांग्रेस नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी के कहने से हम कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे हम तय नहीं करेंगे। हमें जब जाएंगे हम अपनी मर्जी से जाएंगे, हमारे नेता अपनी मर्जी से जाएंगे। ये वो लोग हैं जो अपने घर में तो मंदिर में पूजा ना करें, अभी ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं अमित शाह जी। कल इनके प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, कि मुसलमानों के हमने ईद के दिन कभी खाना नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर तो मुसलमानों से ही खाना आता था। वो भी चलाइए जरा टीवी पे, अमित शाह जी पहले प्रधानमंत्री जी से सलाह मशवरा करें तब ऐसे बयान दे। अरे बेकार की बातें कर रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे चर्चा नहीं करते, महंगाई पर चर्चा नहीं करते। 400 रुपए का सिलेंडर इन्हें महंगा लगता था, 1200 का सस्ता लगता है इन्हें, 60 रुपए का तेल महंगा लगता था, 220 का तेल सस्ता लगता है।